मैं कुमार गौरव मार्टन क्लासेस से आज मैं फिर आप लोगों के सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो तो सारा महत्वपूर्ण होता है लेकिन आज वाला वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो दिवस से रिलेटेड है, जनवरी और फरवरी महीने का राष्ट्रीय दिवस। दिवस दो प्रकार से मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय भी होते हैं और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मैं समेटने का प्रयास करता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसी वजह से मैंने सिर्फ राष्ट्रीय दिवस को लिया है और उस दिवस से संबंधित सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे, सारे बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। आज के वीडियो में मैंने एक काम किया है कि आज के वीडियो में मैंने प्रश्न को नहीं रखा है, जैसे पिछले लगभग 6 या 7 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं अभी तक उसमें मैंने प्रश्नों को भी रखा था शुरुआती दौर में, लेकिन मैंने इसमें प्रश्नों को नहीं रखा। इसका एक वजह है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसी वजह से मैंने प्रश्नों को नहीं रखा है। मैंने सोचा है कि जब दिवस का मैं वीडियो डाल दूंगा सारे दिवस का जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो फिर मैं 1 या 2 वीडियो सिर्फ प्रश्नों का ही रखूंगा ताकि आप लोग उन प्रश्नों को बना करके अपने आप को आंकने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू किया जाए, जनवरी और फरवरी महीने का दिवस है, काफी महत्वपूर्ण दिवस इसमें मैंने शामिल किया है और उससे संबंधित सारे बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू किया जाए बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले नंबर एक पे हम लोग रखते हैं डीआरडीओ का स्थापना दिवस, है ना। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कब है डीआरडीओ का स्थापना दिवस? तो वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, है ना। यह वही डीआरडीओ है जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, है ना। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, है ना। डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पे है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का मोटो क्या है? क्या है इसका मोटो? तो बलस्य मूलम विज्ञानम, है ना। डीआरडीओ का मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है। डीआरडीओ के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यही है डीआरडीओ का फुल फॉर्म और इसका हिंदी क्या होगा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संघ, है ना। तो यही था पहला डीआरडीओ का स्थापना दिवस, किस तिथि को? 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ का स्थापना दिवस। किस वर्ष डीआरडीओ की स्थापना हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पे है? डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मोटो वाक्य क्या होगा? तो बलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का मोटो वाक्य है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, है ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आते हैं दूसरे दिवस की ओर। दूसरा दिवस क्या है? दूसरा दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को बाबू प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की भी अपनी एक कहानी है। 9 जनवरी भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थान रखने का वजह क्या है? स्थान रखने का वजह यह है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, है ना। दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और महात्मा गांधी गए थे कब? कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 ईस्वी, शायद मुझे जो याद है मुझे वही लग रहा है कि 1893 ईस्वी को, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे और इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाने का फैसला किया गया है। और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब गया? तो 2003 ईस्वी में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 ईस्वी में मनाया गया। 2003 ईस्वी में प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार मनाया गया। इस समय हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हुआ करते थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का एक मुख्य उद्देश्य यह रहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित किया जाए। आपको पता है कि भारत के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन
अलग अलग देशों में रहते हुए भी उनका दिल अभी भी भारत में है और भारत के विकास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसी महत्व को रेखांकित करने के लिए, उसी महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस है ना, उसी महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला किया गया। और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया, तो 2003 ईस्वी में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रवासी दिवस है ना, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ईस्वी में, 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में 2023 ईस्वी में इंदौर में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया, इंदौर में आयोजित किया गया 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया। और वर्तमान समय में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2 वर्षों में एक बार किया जाता है, यानी 2 वर्षों के अंतराल पर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। फिर से इसको एक बार देखा जाए है ना, देखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस की तिथि को 9 जनवरी को, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा वजह यही है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। और दक्षिण अफ्रीका गए थे कब, तो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे 1893 ईस्वी में है ना, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गए थे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये स्वदेश वापस आ गए थे। और इसके बाद इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है ना, तो इसी वजह से 9 जनवरी की तिथि को चुना गया। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसी योगदान को चिन्हित करने के लिए, इसी योगदान के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई। और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 ईस्वी में मनाया गया, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी है ना। 2023 ईस्वी में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो कहां पर मनाया गया, तो 2023 ईस्वी में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया, इंदौर में आयोजित किया गया है ना। और वर्तमान समय में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2 वर्षों में एक बार किया जाता है ना, 2 वर्षों में एक बार किया जाता है। और पहले जब यह आयोजित होता था तो प्रत्येक वर्ष का इसका आयोजन किया जाता था। हो गया दूसरा आपका, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब हम तीसरे दिवस की ओर। तीसरा दिवस है लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि यानी जिस दिन मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री को, वो दिन कौन सा है, तो वो दिवस है 11 जनवरी है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1940 को, 2 अक्टूबर 1940 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में है ना, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1940 को। ये डेट भूलना काफी मुश्किल होगा, सबको याद रहेगा ये डेट, क्योंकि यही 2 अक्टूबर है जिस तिथि को महात्मा गांधी का भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस वजह से 2 अक्टूबर याद रखना बड़ा ही आसान है ना। 1940 भी हमें याद रखना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1940 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री की बाबू मृत्यु हुई 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, यह ऐसे प्रधानमंत्री रहे भारत के जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, और विदेश में भी कहां पर हुई, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। अब आखिर ये प्रश्न उठता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु क्यों हुई, किस वजह से हुई, और क्यों ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि यही लाल बहादुर शास्त्री थे जिनके कार्यकाल में 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद ताशकंद में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस समझौते में भाग लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे है ना। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था, और पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वहां के राष्ट्रपति अयूब खान है ना। तो 10 जनवरी ध्यान दीजिएगा,
10 जनवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए थे, है ना। तो इनके मृत्यु के कारणों पर आज भी विवाद है, तरह तरह की बातें की जाती है कि उनकी मृत्यु आकस्मिक रूप से खुद हुई थी या कहीं कुछ और बात था। तो बातें अस्पष्ट नहीं है कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री की समझौते के अगले ही दिन मृत्यु कैसे हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री, और कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की सफलता में ललिता शास्त्री का काफी योगदान रहा है। ठीक है, यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तथा प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा जून 1964 से जनवरी 1986 तक रहा। प्रधानमंत्री के रूप में यही लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल रहा। ठीक है, यह भारत के विदेश मंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री के शासन काल में ही 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, है ना। 1965 ईस्वी का भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। इस युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे बाबू? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, है ना। तो भारत में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान में अयूब। आगे बढ़ा जाए, 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ही 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और ये ताशकंद कहां पर? ये ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी में ये समझौता हुआ था। जिस समय भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद में हस्ताक्षर किए थे, यानी ये जो समझौता हुआ था, कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। उस ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, और उधर से थे पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इन दोनों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कभी कभी यह भी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ताशकंद समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी, कौन थे मध्यस्थ दोनों देशों के बीच? तो ताशकंद समझौते में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशियन, है ना, अलेक्सी कोशियन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी इस ताशकंद समझौते में। ठीक है, अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति रहे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने एक बड़ा ही प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, है ना। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री ही थे। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। और ये विजय घाट है कहां पर? तो ये विजय घाट दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हर समय एग्जाम देने के पहले याद रखना चाहिए। एक बार इसको फिर से देखिए, है ना, जल्दी जल्दी रिविजन इसका कीजिए, उसके बाद हम लोग आएंगे चौथे दिवस की ओर। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि किस तिथि को बाबू? तो 11 जनवरी को। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। और कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। आपको पता है कि वर्तमान में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल चुका है ना। तो मुगल सराय में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। और ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई, बल्कि इनकी मृत्यु हुई उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, है ना। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? ललिता शास्त्री था, है ना। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो जून 1964 से जनवरी 1986, है ना। प्रधानमंत्री
से पहले या प्रधानमंत्री बनने से पहले ये भारत के विदेश मंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ा जाओ। ठीक है, अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में ही 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो अयूब खान थे, है ना। इस युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ही 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था और समझौते का नाम था ताशकंद समझौता, जिस पर भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद में हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौते में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशियन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बाबू, बढ़ा जाएगा। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न सम्मान दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बड़ा ही प्रसिद्ध नारा जय जवान और जय किसान का दिया था, और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। और ये विजय घाट है कहां पर? तो ये विजय घाट दिल्ली में है। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे दिवस की, है ना, नंबर चार। और नंबर चार बड़ा ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, ध्यान दीजिएगा। नंबर चार, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, किनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद काफी महत्वपूर्ण रहे, और स्वामी विवेकानंद एक वजह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुए थे, और वो वजह क्या था? तो वो वजह था अमेरिका में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके द्वारा दिया गया भाषण। वो अपने भाषण की वजह से काफी प्रसिद्ध हुए थे उस समय। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा जाएगा आपसे कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को किस तिथि को संबोधित किया था, तो आपको यह तिथि भी याद रखना होगा कि स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। तो ये कौन सा दिवस है? यह है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है, और उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में, और स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को क्या किया था? संबोधित किया था। आगे बढ़ा जाए। नंबर पांच, भारतीय सेना दिवस, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना दिवस नंबर पांच में है, भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। और ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। मैं आपको एक बार बता दूं कि भारतीय सेना दिवस को थल सेना दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। तो हम लोग भारतीय सेना दिवस भी कह सकते हैं, और हम लोग थल सेना दिवस भी कह सकते हैं। अब इसका क्या वजह रहा कि आखिर 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया, या सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, है ना, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ 15 जनवरी 1949 ईस्वी को बने थे, है ना। के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ 15 जनवरी 1949 ईस्वी को बने थे। इसी कारण 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है, है ना। 15 आपका जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला इसी वजह से किया गया कि के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी 1949। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग छठे दिवस की ओर आते हैं, है ना। छठा दिवस जो है वो छठा दिवस है NDRF का स्थापना दिवस। NDRF से आपको सारे भारत के लोग परिचित हैं। ये एक ऐसा संगठन है, ऐसा बल है NDRF, कि कहीं भी अगर आपदा आती है तो सबसे पहले अगर कोई बल
सक्रिय होता है तो वो एनडीआरएफ ही है। आपदा के समय काफी तीव्र गति से उस क्षेत्र में ये राहत कार्यों को अंजाम देते हैं, कौन? एनडीआरएफ, है ना। तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कौन सा तिथि को है? तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और एनडीआरएफ का स्थापना किस वर्ष किया गया, है ना, या किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो एनडीआरएफ की स्थापना 2006 ईस्वी में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था, है ना। तो एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में और किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन एनडीआरएफ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और एनडीआरएफ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। नंबर 7 कौन सा दिवस है? नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, नंबर 7 और दिवस का नाम है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी का भी भारतीय इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और कहां पर जन्म हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में, है ना। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और इसी तिथि को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा 2021 ईस्वी में किया गया है। वर्ष 2021 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के जन्म की 125वीं जयंती मनाई गई थी, है ना, 125वीं जयंती मनाई गई थी। और इसी अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस का कितना महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से भी ये जुड़े थे और दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। एक बार बने थे 1938 ईस्वी में और दूसरी बार बने थे 1939 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो किस अधिवेशन में बने, ये बहुत बार पूछा जाता है, हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और आपको बता दें कि पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था और गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था अध्यक्ष पद से और अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो हरिपुरा और त्रिपुरी ध्यान रखना है, 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 ईस्वी का त्रिपुरी अधिवेशन। अब आखिर ये हरिपुरा और ये त्रिपुरी है कहां, पता तो नहीं चलेगा, इसलिए मैंने एक पॉइंट यहां पर और ऐड किया है कि हरिपुरा जो है गुजरात के सूरत जिले में है, ठीक है, जबकि त्रिपुरी कहां पर है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है त्रिपुरी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, है ना, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगले दिवस की ओर आते हैं। पराक्रम दिवस हमने देखा, अब अगला दिवस आपका होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है, देखिए यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 28 जनवरी नहीं होगा, यहां पर आपका क्या होगा 24 जनवरी, है ना, यानी यहां पे 24 जनवरी होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर देता है, यानी जिस तरह से हमारे समाज में लड़कियों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिली, बेहतर परिवरिश नहीं मिल पाई, तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मेन मकसद यही है कि लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में क्या हो, बदलाव, है ना। और इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का फैसला किया गया। अब आखिर 24 जनवरी ही क्यों चुना गया राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी ही क्यों चुना गया? तो हम यहां पर ध्यान देंगे कि 24 जनवरी चुनने का क्या
वजह रहा राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, तो 24 जनवरी 1966 ईस्वी को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इसी वजह से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था, है ना। इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रही, इंदिरा गांधी बाबू भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रही। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। और यह प्रधानमंत्री बनी कब, तो यह प्रधानमंत्री बनी 24 जनवरी 1966 ईस्वी को और इसी वजह से राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को चुना गया, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का कार्यकाल क्या रहा, तो प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं हम 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967, फिर 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 और फिर 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 और फिर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। ये रहा प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का कार्यकाल। और यही 31 अक्टूबर 1984 वह मनहूस दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी, है ना। तो इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी का भारत रत्न सम्मान मिला था और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न सम्मान मिला था। ये अपने आप में बड़ा विवाद का विषय था उस समय कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, खुद ही प्रधानमंत्री थी और खुद ही उनको मिला था भारत रत्न, है ना। तो 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी की मृत्यु या इसको हम लोग हत्या कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल दिल्ली में है और उसका नाम क्या है, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। तो ये था कौन सा दिवस, ये है राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस में एक टाइपिंग मिस्टेक है, इस टाइपिंग मिस्टेक को आपको एकदम सुधार लेना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 24 जनवरी, है ना, यहाँ पे 24 जनवरी होगा, आपको एकदम ध्यान रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट जाने में तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बाबू, ठीक, आगे बढ़े, चलिए नंबर नौ पे हम लोग आते हैं। नंबर नौ, लाला लाजपत राय की जयंती, है ना। लाला लाजपत राय की जयंती की तिथि क्या है, तो लाला लाजपत राय की जयंती की तिथि है 28 जनवरी, है ना, 28 जनवरी लाला लाजपत राय का जन्मदिवस है, आपको ध्यान रखना है। और यही 28 जनवरी टाइपिंग हो गया था किसमें, इंदिरा गांधी में, है ना, इंदिरा गांधी यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस में टाइपिंग हो गया था, जो कि वहां पे होना चाहिए था 24 जनवरी। तो लाला लाजपत राय की जयंती कब है, किस तिथि को है, तो लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था बाबू, तो लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 ईस्वी को, लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। और कहां पे जन्म इनका हुआ था, तो वर्तमान में जो पंजाब है, तो पंजाब के मोगा जिले के, ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले के ढूडके, है ना, ढूडके गांव में हुआ था लाला लाजपत राय का जन्म। और आपको तो पता ही है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु क्यों, किस तिथि को हुई थी, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। और किस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ये सबको पता है कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इसी विरोध करने के दौरान उस भीड़ पर लाठियां बरसाई गई, जिसमें से कुछ लाठियां लाला लाजपत राय को भी लगी और वो घायल हो गए। और घायल होने की वजह से ही 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, ध्यान दीजिएगा, पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है, लोग लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जानते हैं। तो ये था लाला लाजपत राय की जयंती। और कब लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। बढ़ा जाए आगे, नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। नंबर 10, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का आखिर वजह क्या है,
तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का वजह यही है कि लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जाए। आपको पता है कि भारत में जब वोटिंग होती है तो वोटिंग 50% 55% 60% तक जाते जाते समाप्त हो जाती है ना? और हम लोग खूब हल्ला करते हैं वोटिंग करने के बाद, या वोटिंग नहीं करते हैं वो लोग ज्यादा हल्ला करते हैं कि नहीं सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले अपना वोट दीजिए, और वोट देने के बाद आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जिसको आप काफी बेहतर समझते हैं, आपकी नजर में वो बेहतर व्यक्ति है। इसी वजह से, इसी उद्देश्य से जागरूक करने के लिए लोगों को, मतदाताओं को, एक खास तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में चुना गया। और वो तिथि क्या है? 25 जनवरी। इसका भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। आखिर 25 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्या वजह था 25 जनवरी को चुनने का? तो आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये वही निर्वाचन आयोग है जिस पर भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेवारी है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, है ना, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन सारे चुनावों को करवाने की जिम्मेवारी किस पर है? तो भारत के निर्वाचन आयोग पर है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और इसी वजह से, है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए जो तिथि का चयन किया गया वो तिथि 25 जनवरी ही रहा। और आपको पता है कि निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 324, है ना, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 25 जनवरी को तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 25 जनवरी को, है ना, 25 जनवरी को एक तिथि और है। वो तिथि क्या है? तो वो तिथि है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, है ना। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करना, है ना। और इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे आते हैं। ये तो सबको पता है, पता होना ही चाहिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। और इसी उपलक्ष में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर कौन सा दिवस है? शहीद दिवस। और शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, है ना, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, यानी यही वह तिथि है जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की गई थी, है ना। और इसी स्मृति में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में, है ना, दिल्ली के बिरला भवन में या बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर ली थी, है ना। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और इनकी गोली मारकर हत्या कब की गई? इनकी गोली मारकर हत्या की गई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और इसी याद में, इसी इन्हीं की याद में, है ना, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था जनवरी का महत्वपूर्ण दिवस। और बिना समय गवाए हुए हम लोग फरवरी के दिवस पर आते हैं। ठीक, देखिएगा, फरवरी सबसे पहले 1 फरवरी, जनवरी में भी हमने सबसे पहले 1 जनवरी को देखा था, यहां भी 1 फरवरी। ध्यान दीजिएगा, भारतीय तटरक्षक बल दिवस, है ना, भारतीय तटरक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, किस तिथि को? 1 फरवरी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1970 ईस्वी को।
1 फरवरी 1977 ईस्वी को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी और इसी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर एक दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न होगी। आपको दो डेट मिलेंगे भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना को लेकर। एक डेट तो आपका 1 फरवरी 1977 ईस्वी, ठीक है, एकदम सही है, कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा डेट आपको मिलेगा 18 अगस्त 1978 भी आपको मिलेगा भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना को लेकर। बहुत सारे बुकों में 18 अगस्त 1978 ईस्वी का डेट भी आपको मिलेगा। तो इसका वजह यह है कि 1978 ईस्वी में संसद में एक अधिनियम पास किया गया और उस अधिनियम के बाद ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी तिथि? 18 अगस्त 1978। ऐसे अगर देखा जाए तो तटरक्षक बल की स्थापना का तिथि क्या होगा? तो 1 फरवरी 1977 ही होगा और इसी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहां पे है बाबू? तो भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और भारतीय तटरक्षक बल का मोटो वाक्य क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल का मोटो वाक्य है वयम रक्षामः, है ना, ये है जो भारतीय तटरक्षक बल का मोटो वाक्य है वयम रक्षामः। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। 15 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कृमि का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नेशनल डी वॉर्मिंग डे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, आपको पता है कि हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में खास करके, और इस कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के पेट में पाए जाने वाले कीड़े, है ना, बच्चों के पेट में पाए जाने वाले कीड़े जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसी उद्देश्य से एक खास तिथि को चुना गया और इस खास तिथि को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। ठीक है, भारत में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी बच्चों को कृमि अर्थात पेट के कीड़ों से मुक्त करने के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है। अब हम लोग आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर का दिवस क्या कहता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस। अब राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। किस तिथि को? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है 13 फरवरी ही आखिर क्यों चुना गया? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस 13 फरवरी को है ना, ये जो 13 फरवरी है वो सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है और सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी को, है ना। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था, है ना, और इसी वजह से 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। यह भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल थी? तो यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, है ना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, या भारत कोकिला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत कोकिला बोला गया है, स्वर कोकिला नहीं बोला गया है। आपको अंतर को समझना होगा, है ना, कि स्वर भारत कोकिला कहा जाता है किसे? सरोजिनी नायडू को। अब सरोजिनी नायडू ने कुछ कविता संग्रह भी लिखे, है ना, कविताओं की रचना की सरोजिनी नायडू ने। तो ध्यान दीजिएगा, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, तो सरोजिनी नायडू का कुछ महत्वपूर्ण कविता संग्रह भी रहा, है ना, देखते हैं हम कविता संग्रह को। तो एक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ टाइम, और तीसरा है द ब्रोकन विंग, है ना, तीसरा है द ब्रोकन विंग। तो ध्यान दीजिएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड पहला कविता संग्रह है सरोजिनी नायडू का, द वर्ल्ड ऑफ टाइम दूसरा कविता संग्रह है, द ब्रोकन विंग तीसरा कविता संग्रह, है ना, और ये तीनों कविता संग्रह किनका है? तो ये तीनों कविता संग्रह सरोजिनी नायडू का है। आपको पता है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, ध्यान देना है भारतीय, इस बात को पकड़ना है कि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी।
लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी, ध्यान देना है, पहली भारतीय महिला, लेकिन अगर महिलाओं का क्रम देखा जाए अध्यक्ष में, कांग्रेस के अध्यक्ष में, तो दूसरी महिला, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट, है ना। तो देखते हैं इसको हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष, है ना, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष भी थी, साथ ही कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, है ना। इन्होंने 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने, सरोजिनी नायडू ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बाबू, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। ये था सरोजिनी नायडू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना। सरोजिनी नायडू कहां गई, सरोजिनी नायडू, चलिए नंबर 16 राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 13 फरवरी, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बढ़ा जाए आगे। हो गया, आगे बढ़ जाए। अब आते हैं हम लोग नंबर 17 पे और नंबर 18 पे, यहां पे आकर के कहानी समाप्त हो जाएगा। तो नंबर 17 को एक दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस का नाम क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 18 नंबर पे हम लोग आते हैं, 18 नंबर पे कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसका भी अपना एक रीजन कि 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो चंद्रशेखर वेंकटरमन ने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन प्रभाव के खोज की घोषणा की थी, है ना। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर वेंकटरमन ने रमन प्रभाव के खोज की घोषणा की थी, और इन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, है ना, इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई 28 फरवरी को, है ना। रमन प्रभाव की खोज के लिए, ध्यान दीजिएगा, रमन प्रभाव की खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 ईस्वी का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 ईस्वी में। और चंद्रशेखर वेंकटरमन पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, ये पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दो प्रश्न में चलते चलते आपके लिए छोड़कर जाता हूं, आपको उसका जवाब कमेंट में लिखना है। यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि यह पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आपको बताना है कि पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति जिन्हें किसी भी क्षेत्र में नोबेल मिला, है ना, थोड़ा सा हिंट करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला, आपको उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है कमेंट में। दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं कि आपको यह पता लगाना है कि क्या चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न का सम्मान मिला था या नहीं मिला था, और अगर मिला था तो कब मिला था, है ना। दो ही बातें हो सकती है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, है ना। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिला था तो आपको बताना होगा कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न सम्मान कब मिला था, ठीक है। तो ये दो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, है ना, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट में लिखोगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो लंबा है, लंबा इस वजह से है कि मैंने सारे तथ्यों को समेटने का प्रयास किया है, इस वजह से वीडियो की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, है ना, लेकिन बड़ा मजेदार वीडियो है। आप लोग अगर इसको अच्छे से देखते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं तो भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। धन्यवाद।